लूना 25 में कुछ गड़बड़ी के कारण चंद्रयान 3 के लिए भी कुछ मुश्किल हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं, रूसी एजेंसी और रॉस्कोमोस ने बताया कि स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर 2:10 बजे लूना को प्री लैंडिंग ऑर्बिट में भेजने के लिए प्रयास किया गया। इस दौरान ऑटोमेटिक स्टेशन पर इमरजेंसी हालात पैदा हो गया। अब उस इमरजेंसी हालात पैदा होने की वजह से चंद्रमा पर उतरने से पहले रूस के लूना 25 को एक आपातकालीन स्थिति से गुजरना पड़ा है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉस्कोमोस ने शनिवार को यह जानकारी दी और अब ये जानकारी आई है कि लूना 25 क्रैश हो चुका है, क्रैश लैंडिंग हो चुकी है, जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग 21-23 अगस्त को होनी थी, लेकिन ये तो बहुत गड़बड़ हो गई और लूना 25 क्रैश हो चुका है। आपको बता दें कि लूना के बहुत सारे दुश्मन हैं, जैसा कि सोवियत यूनियन है ना, और ये आपका यूक्रेन। अब वहाँ से बहुत सारे मीम्स बनेंगे, और मैं तो यही कहता हूँ कि रूस का ये मिशन सक्सेसफुल होता तो बहुत बढ़िया रहता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा को एक्सप्लोर करने के लिए रूस महत्वपूर्ण वापसी कर रहा है। 1976 में सोवियत युग है, लूना 25 मिशन के बाद लगभग 50 वर्षों बाद पहली बार 10 अगस्त को लूना 25 अगस्त में अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसने चंद्रमा के लिए अधिक सीधे रास्ते को अपनाया। संभावित रूप से यह लगभग 11 दिनों में 21 अगस्त तक लैंडिंग करने का प्रयास करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मिशन फेल हो चुका है। अमेरिका की चीन के खिलाफ बड़ी मोर्चाबंदी की जा रही है। इन दो देशों के साथ शी जिनपिंग के होश उड़ाने की तैयारी में है जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन जापानी राष्ट्रपति फुमियो किशिदा और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक योल नेतृत्व में अमेरिका के कैंप डेविड में शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। चीन ने तीनों दुश्मन इस सम्मेलन में भाग लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए। अब ये जो चीन के दुश्मन हैं, मतलब तीन तीन दुश्मन हैं, चीन को लेकर इन तीनों देशों में आपसी कुछ चिंताएं हैं, उन्हें मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। अमेरिका के लीडरशिप में चीन के तीन सबसे बड़े दुश्मन ने शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और आपस में गुटलू की बातचीत की। इस सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के फेमस मैरीलैंड में कैंप डेविड में किया गया। इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने जापानी राष्ट्र प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक योल की अगवानी की, उनको स्वागत किया तहे दिल से। इस शिखर सम्मेलन के पीछे चीन को लेकर तीन देशों की आपसी चिंताएं हैं। अमेरिका और जापान सबसे ज़्यादा चीनी आक्रामकता का सामना करना पड़ रहा है, और वहीं दक्षिण कोरिया चीन के दोस्त पागल उत्तर कोरिया के खतरे से जूझ रहा है। कहा जाता है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के रिंग मास्टर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। जैसे ही वो चाबी भरेंगे वैसे ही वो भौंकने लगेगा। जिस दिन शी जिनपिंग ने हरी झंडी दी उसी दिन उत्तर कोरिया अपने पड़ोसी देश जो कभी उसी का हिस्सा हुआ करता था दक्षिण कोरिया पर हमला कर देगा। यही कारण है कि अमेरिका जापान और दक्षिण कोरिया साझा दुश्मन तीन के खिलाफ एक मंच पर इकट्ठा होकर के उसके लिए मोर्चाबंदी या कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। चीन को टाइम बम बता रहे हैं जो बाइडन। जो बाइडन ने पिछले हफ्ते यूटा में शी जिनपिंग के चीन को टिक टिक करता टाइम बम बताया। उन्होंने डेमोक्रेटिक दानदाताओं, जितने भी दानदाता हैं, उनसे कहा जिनपिंग एक ऐसी व्यक्ति हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा समझता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि हम चीन के साथ लड़ाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो रहा, लेकिन हम चीन के साथ तर्क संगत संबंध की तलाश में हैं। आप जानते ही होंगे कि चाइना किसी भी इंटरनेशनल लॉ को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके साथ दो पागल कुत्ते हैं, अब पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, जानते ही हो। उसका रिंग मास्टर कौन है? चीन।
देखते हैं क्या करते हैं दोनों। बाइडेन के शी जिनपिंग के साथ लंबे संबंधों के बावजूद तर्क संगत संबंध की दिशा में काम रुका हुआ है। महीनों की कटता के बाद बाइडेन प्रशासन ने नियमित संचार को फिर से स्थापित करने के लिए हाल में ही चीन का दौरा शुरू किया है। फिर भी तनाव बरकरार है और अमेरिका चीन संबंधों में गहरा तनाव बना हुआ है। बाइडेन शी मुलाकात भी नहीं दिखा असर, मतलब बाइडेन और शी जिनपिंग की लगातार मुलाकातों के बावजूद, अब ये एक दिन की बात नहीं हो रही है, पिछले सालों से अमेरिकी चीनी संबंध में कोई डेवलपमेंट नहीं देखा गया। दोनों नेताओं ने पिछले साल नवंबर में बाली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर व्यक्तिगत रूप से बातचीत की थी। अमेरिकी अधिकारियों ने इस मुलाकात को अमेरिका चीन संबंध में नई मंजिल करार दिया था। बाइडेन ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह शी के साथ पिछले साल की बैठक को इस पतझड़ में भी जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है और उम्मीद है कि इस पतझड़ में बाली से हमारी बातचीत जारी रहेगी, यही मेरी अपेक्षा है। इस वार्ता पर टोक्यो और सियोल में बारीकी से नज़र रखी गई, जहां चीन की सैन्य और आर्थिक आक्रामकता एक वर्तमान वास्तविकता है। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया में क्या क्या समझौता हुआ है, ये भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। शुक्रवार को कैंप डेविड में बीजिंग की बढ़ती शक्ति की उभरती पृष्ठभूमि के खिलाफ संयुक्त मिलिट्री और टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव पर समझौते किए गए। अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी ने CNN से कहा कि चीन वास्तव में ज़मीनी हकीकत है और एशिया में एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी भी है, आप इसे खारिज नहीं कर सकते। हम वातावरण को इस तरह से आकार देने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों हमारे हितों को आगे बढ़ाएं, हमारे भागीदारों को सुरक्षित रखें और इस बारे में एक स्पष्ट संकेत भी भेजें कि हम किस तरह की कार्रवाइयों को उत्तेजक मानते हैं। जिनपिंग को लेकर बाइडेन का अलग रुख है, उनका कहना है कि ये उन्होंने एक बहुत पुरानी बात कही, ये बहुत पहले की बात नहीं है कि जब शी जिनपिंग को एक अमेरिकी नेता ने अपने स्वयं के हाई प्रोफाइल शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया था। आप जानते ही होंगे अभी भारत के लिए उन्होंने एक मुसीबत खड़ी कर दी थी, उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए थे तो एक क्वेश्चन पूछ लिया था, आप जानते ही होंगे। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2013 में लंबी बातचीत के लिए जिनपिंग को विशाल पाम स्प्रिंग रिजॉर्ट में मेज़बानी की, टेबल पर बिठाया, बातचीत की, इसे ही पश्चिम के कैंप डेविड के रूप में जाना जाता है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उन्हें मार ए लागो में चॉकलेट केक परोसा था, मतलब उनके साथ लंच डिनर सब कुछ शेयर किया था। लेकिन अब इस तरह की अगवानी की कल्पना काफ़ी कठिन है, विशेष रूप से ताइवान के आसपास बढ़ते तनाव, उभरती प्रौद्योगिकी पर लड़ाई, मानव अधिकार संबंधी चिंताओं के बढ़ने से। शी जिनपिंग एक ऐसे नेता हैं जिन्हें राष्ट्रपति जो बाइडेन तानाशाह मानने लगे हैं, क्योंकि वो किसी भी सऊदी अरब को शामिल करने के लिए क्यों आतुर हैं ब्रिक्स देश। दक्षिण अफ्रीका में होगा फैसला, समझते हैं इस रणनीति के बारे में, क्या है रणनीति। ब्रिक्स समिट 2023 काफ़ी फेमस है, दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है, यह शिखर सम्मेलन 22-24 अगस्त के आसपास होने वाला है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होगा। इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ब्रिक्स के विस्तार का एजेंडा इसमें शामिल हो चुका है। सऊदी अरब ब्रिक्स में हो सकता है शामिल, अब इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के लिए सदस्य देशों के नेता 22-24 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मिलेंगे। ब्रिक्स समिट के दौरान इस साल की महत्वपूर्ण निर्णय करने वाले बहुत सारे फैसले लिए जा सकते हैं, इसमें ब्रिक्स का विस्तार भी शामिल है, मतलब 4-5 सदस्यों से अब वो और ज़्यादा सदस्यों वाला ग्रुप बन जाएगा। ब्रिक्स के दरवाजे सऊदी अरब और अफ्रीकी यूनियन के लिए खोले जा सकते हैं। इसके साथ ही स्थानीय मुद्रा में व्यापारिक लेनदेन और व्यापार को बढ़ावा देने से जुड़ी चिंताओं पर बात हो सकती है। शिखर सम्मेलन में ब्राज़ील, भारत, चीन के नेता हिस्सा लेंगे। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, पीएम नरेंद्र मोदी भारत से, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक करेंगे।
लेकिन इस बैठक में रूसी राष्ट्रपति पुतिन हिस्सा नहीं लेंगे। उसका कारण यह है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ एक वारंट जारी कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, उनका प्रतिनिधित्व रूसी विदेश मंत्री माननीय सर्गेई लावरोव करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि शिखर सम्मेलन के दौरान सऊदी अरब, मिस्र और अर्जेंटीना के औपचारिक रूप से ब्रिक्स का सदस्य बनने का रास्ता साफ हो सकता है। 22 देश होना चाहते हैं शामिल। हालांकि इन देशों को सीधे न जोड़कर चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जाएगा, जिसमें इन देशों को पहले पर्यवेक्षक या डायलॉग पार्टनर्स की तरह जोड़ा जाएगा और फिर बाद में पूरी सदस्यता प्रदान की जाएगी। कम से कम 22 देशों ने आधिकारिक तौर पर इस गुट में शामिल होने का अनुरोध किया है। गुरुवार को चीन की ओर से पुष्टि की गई कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में भाग लेंगे। हालांकि यह शी जिनपिंग की दक्षिण अफ्रीका में राजकीय यात्रा भी हो सकती है और होगी। इसका कारण ये है कि इसी कारण से वो 21 अगस्त को जोहान्सबर्ग पहुंचेंगे और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति रामाफोसा के साथ द्विपक्षीय संबंध पर बातचीत भी करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं चीन और अफ्रीका के अच्छे संबंध हैं। ब्रिक्स के लिए सऊदी अरब काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया है। रीजन क्या है आज के टाइम पर? मेन बात है पैसा। दक्षिण अफ्रीका और चीन का मजबूत रणनीतिक संबंध है। दक्षिण अफ्रीका के चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने वाले पहले देशों में एक था। जिनपिंग और रामाफोसा की बैठक ब्रिक्स से अलग होगी, वो द्विपक्षीय बैठक होगी, लेकिन इसका असर ब्लॉक पर पड़ेगा, मतलब जो बैठक आपकी ब्रिक्स की होने वाली है उस पर पड़ेगा। सऊदी अरब का शामिल होना ब्रिक्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अधिकारी ये मानते हैं कि सऊदी अरब के पास खूब मनी है, पैसा है। इसके शामिल होने से ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक विश्व बैंक या IMF के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो ब्रिक्स सदस्यों के और भी देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी चीज़ें डिसाइड हो सकती हैं। और आप तो जानते हैं NDBS न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना, को अत्यधिक फंड की ज़रूरत है। कोई भी नया काम करने के लिए फंड की ज़रूरत होती है, ताकि वे विशाल विकासशील देशों को प्रभावी ढंग से समर्थन दे सकें। भारत की तारीफ में जब रूस ने पड़े कसीदे, मतलब अचानक से तनाव में आ सकता है चीन। हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ चाइना, रूस और भारत के रिलेशन को डिस्कस करना चाहते हैं। भारत का सबसे अच्छा दोस्त रूस है, यह बात उसने कई बार साबित भी की है। लेकिन यूक्रेन से लड़ाई शुरू होने के बाद भारत और रूस के रिश्तों में एक नई गठजोड़ देखने को मिला है। रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगने के बाद भी भारत जमकर उससे सस्ता तेल खरीद रहा और इसके साथ साथ S-400 जैसे हथियारों की डील चल रही है। रूस ने वैश्विक मंचों पर कई बार भारत की खुलकर तारीफ भी की है। हालांकि रूस के रिश्ते चीन के साथ काफ़ी अच्छे हुए हैं और इस बीच रूस ने चीन को लेकर एक बड़ा बयान भी दिया है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस को भारत और चीन और पाकिस्तान जैसे कुछ देशों को सहारा मिला है। रूस के उस उपराष्ट्रदूत रोमन बाबुश्किन के मुताबिक भारत और रूस का आपसी सहयोग बरकरार है और यह पहले भी रहा है। बाबुश्किन ने आगे कहा कि भारत और रूस की सोच इस मामले में एक तरह की है। दोनों देश एक बहुध्रुवी विश्व प्रणाली बनाने की इच्छा रखते हैं और यह एक प्रणाली है जहां सभी के साथ बराबरी और न्यायपूर्ण व्यवहार हो। ब्रिक्स, संयुक्त राष्ट्र और SCO में दोनों मुल्क एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, सपोर्ट करते हैं। रोमन बाबुश्किन ने भारत को लेकर यहां तक कह दिया कि दोनों देशों के रिश्ते बाकियों के लिए एक उदाहरण बन सकते हैं।
रूस की विदेश नीति में भारत प्राथमिकता पर रहता है। रोमन बाबुश्किन G20 सम्मेलन में साउथ ग्लोबल साउथ का जिक्र भी करते हैं और कहते हैं कि इस विषय पर भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। भारत की बहुमुखी विदेश नीति की तारीफ करते हुए रोमन बाबुश्किन ने कहा कि भारत एक जिम्मेदार महाशक्ति है। इसके बाद बाबुश्किन ने चीन का जिक्र भी किया और कहा कि हमारी इच्छा है कि दोनों देश के रिश्ते स्थायी सहयोग फिर से कायम हो। मतलब पूरी दुनिया ये जानती है कि भारत और चाइना के रिलेशन जब से गलवान इंसिडेंट हुआ है तब से थोड़े से ख़राब हो गए हैं। भारत में आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन में पश्चिमी देश यूक्रेन संकट का मुद्दा उठाना चाहते हैं और भारत के संग रूस की बढ़ती करीबी कहीं ना कहीं चीन को भी टेंशन में डाल रही है। विदेशी नीति के विशेषज्ञों का ये कहना है, मानना है कि ऐसे वक्त में सीमा विवाद पर चीन के खिलाफ भारत को अगर रूस का समर्थन मिलता है तो चीन पर और प्रेशर बढ़ेगा और हमारी जीत होगी, डिप्लोमेटिक जीत। जय हिंद, जय भारत। इंडियन एयरफोर्स का नाम तो सुना ही होगा। इंडियन एयरफोर्स ने 68,000 जवानों को लद्दाख पहुँचाए हैं, कैसे, एयरलिफ्ट करके, और उसी के साथ साथ 90 टैंक भी एयरलिफ्ट किए गए, है ना, जावाजी की कहानी। फाइटर प्लेन की स्क्वाड्रन तैयार हो चुकी है गलवान जैसी झड़प से बचने के लिए, जो 2020 में हुई थी उसे बचने के लिए इस टाइप के अभियान को चलाया गया है। एक विशेष अभियान है जो LAC के साथ विभिन्न दुर्गम क्षेत्रों में तुरंत तैनाती कर सकता है, किसकी, सैनिकों की और हथियारों की, बहुत कम टाइम में। भारत ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जवानों की तैनाती करके सबको चौंका दिया है और उसके साथ साथ जवानों के साथ साथ टैंकों को भी तैनात किया गया है। जय हिंद, जय भारत। एयरफोर्स IAF कार्गो प्लेन से इक्विपमेंट को हवा में गिरा सकेगा। आपको बता दें कि स्वदेशी हैवी ड्रॉप सिस्टम की सफल टेस्टिंग DRDO ने डेवलप कर ली है और इसी डेवलपमेंट के साथ साथ काफ़ी सारे और डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में एक कार्गो प्लेन से हैवी ड्रॉप की देश में डेवलप किए गए सिस्टम की सफल टेस्टिंग भी कर ली है। इससे एयरफोर्स 7-टन वजनी वाहन और इक्विपमेंट्स को भी पैरा ड्रॉप कर सकेगा। एयरफोर्स के अफसरों ने बताया कि हैवी ड्रॉप सिस्टम को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की एक लेबोरेटरी ने डिज़ाइन और डेवलप किया है। एयरफोर्स पहले भी इस सिस्टम का इस्तेमाल करता रहा है लेकिन यह स्वदेशी सिस्टम नहीं था, यह था विदेशी लाया गया सिस्टम। DRDO ने खास तौर से यह सिस्टम एयरफोर्स के लिए डेवलप किया है क्योंकि एयरफोर्स को जहां तहां सैनिकों की तैनाती करनी होती है, सामान को भेजना होता है, चाहे वो टैंक ही क्यों ना हो, इस्तेमाल फॉरवर्ड लोकेशंस पर सामान भेजने होते हैं। IAF इंडियन एयरफोर्स के अफसरों ने कहा कि सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए दिशा में एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ साझेदारी में सिस्टम की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। हैवी ड्रॉप सिस्टम का इस्तेमाल फॉरवर्ड लोकेशंस पर ऑपरेशन के दौरान किया जाता है। इससे सैनिकों के साथ वाहन और टैंकों की पैरा ड्रॉपिंग की जाती है। आगरा स्थित DRDO लेबोरेटरी को सेनाओं के लिए ऐसा सिस्टम डेवलप करने का काम सौंपा गया है। क्या होता है हैवी ड्रॉप सिस्टम? हैवी ड्रॉप सिस्टम का इस्तेमाल 7-टन वजन वर्ग के सैनिक वाहन, गोला बारूद इक्विपमेंट को पैराशूट के नीचे गिराने के लिए किया जाता है। IL-76 विमान के लिए हैवी ड्रॉप सिस्टम में एक प्लेटफॉर्म और विशेष पैराशूट सिस्टम शामिल होता है। पैराशूट सिस्टम एक मल्टी स्टेज पैराशूट सिस्टम है जिसे 5 प्रमुख कैनोपी, 5 ब्रेक शूट जो सहायक सूट, एक
एक्स्ट्रा ट्रैक्टर पैरासूट शामिल है। इसका प्लेटफॉर्म एल्यूमिनियम और स्टील को मिक्स करके बनाया गया है। इस सिस्टम को 100% स्वदेशी साधनों के साथ सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। P7HDS को सेना में शामिल कर लिया गया है। P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम का निर्माण LNT कंपनी कर रही है। पैराशूट ऑर्डनेस फैक्ट्री बना रही है। पैराशूट पर तेल और पानी का असर बिल्कुल नहीं होगा। पैराशूट पर तेल और पानी का इसलिए असर नहीं होगा कि वो एक विशेष प्रकार के पदार्थों से बनाया गया है। इसे लंबे समय तक इस्तेमाल भी किया जा सकता है। DRDO काफ़ी लंबे समय से इस सिस्टम को बनाने की तैयारी कर रहा था। पिछले करीब 5 सालों से हैवी ड्रॉप सिस्टम की टेस्टिंग की जा रही थी। एयरफोर्स से जुड़ी ये खबरें आपको कैसी लगी और आप अपने इन विचारों को अपने क्या करें इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इंसानों की मेगा सिटी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन ऐसे जीव जिन्होंने एक ऐसी मेगा सिटी बनाई है और जिस पर रिसर्च हुई है, तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो वो मेगा सिटी बनाई है दीमकों ने। चलिए बात करते हैं, दीमकों ने बनाई ब्रिटेन जितनी बड़ी मेगा सिटी, जिसके सामने छोटा है इंसानों का हर शहर। वैज्ञानिक इस कलाबाजी को देख करके हैरान हो गए। दीमकों की इस मेगा सिटी से वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हैं, जिसके बारे में उनका दावा ये है कि अब तक खोजी गई अपनी तरह की सबसे बड़ी संरचना स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर का नायाब नमूना। कुछ टीले तो हजारों वर्ष पुराने भी हो सकते हैं। उन टीलों को हम देखते ही पहचान गए, टर्माइट्स बुल्ड मेगा सिटी। दीमक एक बहुत ही छोटा कीट होता है, जो अक्सर ही घरों में दीवारों और फर्नीचरों पर लगा हुआ पाया जाता है। ये उनको नुकसान तो पहुंचाते हैं और इसी वजह से दीमकों को मारने के लिए लोग पॉइजन भी यूज करते हैं। इसलिए दीमकों को विनाशकारी कीट के रूप में भी देखा जाता है। मैच 1.3 सेंटीमीटर लंबे इस छोटे जीव की फौज ने एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दीमकों ने एक ऐसा मेगा सिटी को स्ट्रक्चर किया है, बनाया है, दावा किया जा रहा है, जिसका कि उसके सामने इंसानों द्वारा बनाई गई कोई भी शहर बौना दिखता है, मतलब छोटा दिखता है। दीमकों के इस कारनामे को देखकर वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह गए हैं। दीमक की कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। वे जमीन के बाहर लकड़ियों और भूमि के अंदर रहते हैं। दीमक मिट्टी और लार से पतली गोलाई में कम और लंबी सुरंगों का निर्माण करते हैं। दीमक जमीन के नीचे ऐसी ही सुरंगों का जाल फैला देते हैं। ये सुरंगें दीमकों को उनके घोंसलों और भोजन स्रोतों के बीच सुरक्षित रूप से जाने में मदद करती है। ऐसा करने के बाद दीमक जमीन के ऊपर टीलेनुमा संरचनाओं को बनाते हैं और जिन्हें दीमक के टीले के नाम से भी जाना जाता है। ये टीले काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं और इनमें विभिन्न कॉलोनी गतिविधियों के लिए विशेष कक्ष भी बनाए जाते हैं। वेबसाइट लैड वाइवल की एक न्यूज के अनुसार नॉर्थ ब्राज़ील के एक इलाके में दीमक ने ऐसा ही कॉलोनियों को निर्माण किया है ऐसी ही कॉलोनी निर्माण की है जिसे दीमकों की मेगा सिटी के नाम से पुकारा जा रहा है, कहा जा रहा है। यह मेगा सिटी इंसानों द्वारा अब तक बनाई गई किसी चीज़ कमतर नहीं होगी, जिसमें सबसे पुराना टीला लगभग 3,800 साल पुराना माना जा सकता है। वास्तव में उस साइट से खुदाई की गई मिट्टी की कुल मात्रा गीजा के 4,000 महान पिरामिडों के बराबर पाई गई है। यह बहुत सारे पिरामिड्स हैं जहां दीमकों के टीले लगभग 2,30,000 वर्ग किलोमीटर लगभग 88,000 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करते हैं, जो ब्रिटेन द्वारा कवर किए गए क्षेत्र से थोड़ा कमी है। वैज्ञानिक भी रह गए आश्चर्यचकित। दीमकों की इस मेगा सिटी से वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हैं। उनका दावा ये है कि अब तक खोजी गई अपनी तरह की सबसे बड़ी संरचना, सबसे सुंदर संरचना और अजीब संरचना, जो कुछ टीलों को देखें तो वो हजारों साल पुराने भी हैं। इतना ही नहीं, बल्कि यह दर्शाता है ये सब
कि एक छोटा जानवर भी अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है उसके अपने कामकाज के डेली रूटीन से। सैलफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक कीट विज्ञानी स्टीफन जे मार्टिन ने कहा, कल्पना कीजिए कि यह एक शहर है, हमने कभी इतना बड़ा शहर नहीं बनाया। जे विज्ञानी रॉय फंच ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इतने छोटे जीव द्वारा है ना इतने बड़े पैमाने पर परिदृश्य में इतना बदलाव देखा होगा। जय हिंद जय भारत। फ्यूगल इंजीनियरिंग इज नॉट इनफ, एक्स इसरो चीफ पिचेज फॉर बिगर रॉकेट। व्हाट इज फ्यूगल इंजीनियरिंग, लेट मी एक्सप्लेन। फ्यूगल इंजीनियरिंग मीन्स प्रमोट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अचीविंग मैक्सिमम वैल्यू विद लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसा कि भारत के साथ है। वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज बट वी सी द विजन टू गो ऑन मून एंड मार्स। बाई एनकरेजिंग रिसोर्सफुलनेस एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम्स सॉल्विंग फ्यूगल इंजीनियरिंग इनेबल्स इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज टू डेवलप इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू एड्रेस प्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेज। बी वेल नोन दैट लूना 25 इज एक्सपेक्टेड टू कम्प्लीट इट्स लूनर जर्नी इन जस्ट 10 days, वाइल चंद्रयान 3 विल टेक अराउंड 1 month एंड 10 days एक्स्ट्रा। सो दिस इज वेरी curious to know all of you. The former Indian Space Research Organization ISRO Chief K. Sivan, जिन्हें आपने PM मोदी के गले लगते देखा होगा after unsuccessful of Chandrayaan 2, has said that frugal engineering in the country will need to give away to more funding and larger rockets in the future. You know that we need bigger rockets and better systems. Frugal engineering is not enough. We need powerful rockets and advanced technology, KSIVAN suggested. Follow Chandrayaan 3 live updates. With help of this kind of information, the former ISRO chief added that one positive step by the government is opening up space activities to provide private industries. He said that the private sector's interest in is evident and results are already emerging. I am sure that it will soon be able to take up high-end technology as well as investment won't be able to problem, he told the website. Sivan's statement comes at a time when Luna 25, a Russian lunar spacecraft, launched nearly a month later than Chandrayaan 3 on August 11, is on course to attempt a soft landing on Moon's south pole on August 21st, 2 days ahead of ISRO's scheduled Vikram Lander touchdown. Remarkably, the Russian spacecraft will complete its lunar journey in just 10 days, while Chandrayaan 3, launched on July 14, is going to take around 1 month and 10 days. This speed can be attributed to Russia's utilization for the Soyuz second frigate booster, high powerful rocket. In contrast, ISRO opted for the launch vehicle Mark 3rd M4 rocket for its third lunar mission, requiring 5 Earth-bound orbit raising maneuvers before entering Moon orbit. Chandrayaan 3 approved cost 250 crores, including launch vehicle expenses. According to Lyman report, the launch services cost approximately 365 crore. Total will become 600 crore. Comparatively, Chandrayaan 3 is more substantial and advanced than Luna 25. It encompasses an indigenous Vikram lander module LM and a propulsion module PM and a Pragyan rover equipped with a scientific tools for chemical analysis of the lunar surface. In contrast, Luna 25 doesn't not carry a rover. You know that Luna 25 has a linear lift off mass only 1750 kilogram, significantly lighter than Chandrayaan 3 3800 kilogram. This is quite heavier than Luna 25. This lower mass enables of Luna 25 to achieve more effective acceleration as per the space agency ISRO said. Both mission feature distinct payloads. Luna 25 hosts 8 scientific instruments including gamma ray, neutron spectrometer, infrared spectrometer, mass spectrometer and imaging system.
इन कंपैरिजन चंद्रयान 3 लैंडर वियर्स पेलोड्स लाइक चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट CHASTE लैंगम्यूर प्रोब LP वाइल द रोवर कैरियर्स इंस्ट्रूमेंट्स लाइक अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS लेटर इंक्लूडेड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप।